नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। दरअसल आग लगी की घटनाएं जो हैं वो लगातार बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त अगर हम बताएं तो पटना के बालघाट बांसघाट इलाके में भीषण आग लगी है और इस आग लगी की वजह से कई जो झोपड़ी नुमा घर है वो जल करके राख हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुए हैं और इस ब्लास्ट की वजह से और गर्मी के कारण ये आग लगी है। सबसे पहले वो लाइव तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वहीं लिए चलेंगे जहाँ हमारे सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद हैं। संजय, पूरा मामला क्या है? लगातार आग लगी की घटनाएँ जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए रेखा, पूरे बिहार करें तो पूरे बिहार में आगलगी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल के दिनों में पटना में कई जगहों पर आग लगी है। अभी पाल होटल में जिस तरीके से घटनाएं घटी थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और उसमें बता दे कि कई लोग जो है वो घायल हुए थे। इस वक्त पटना के बांसघाट का इलाका है जहाँ पर बांस में ही पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन के ठीक सामने ये घटना घटी है। और देखिए 20 से अधिक जो अग्निशमन की गाड़ियां है वो बुलाई गई है और अभी बुलाक्रिया जारी है और करीबन 50 से अधिक झोपड़ियां जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। कई लोगों का घर उजड़ चुका है, पूरा परिवार जो है वो सड़कों पर आकर अब जमा हो चुका है। देखिए हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरे लोग जो है वो सड़क पर आ चुके हैं और लोग सड़क के सहारे ही अब यहीं पर बैठ गए हैं। यानी कहीं ना कहीं गर्मी का जिस तरीके से मौसम बिहार में पड़ रहा है, 42 डिग्री और 43 डिग्री तापमान हो रही है जिसके वजह से आगलगी की घटनाएं अधिक हुई। कैसे घटना घटी, क्या है पूरा मामला बताइए। पहले तो सर ये झोपड़ी नहीं था, ये इन गरीबों का असियाना कहिए और देश में जो गरीबी की हालत है उसका एक जीता जागता सबूत है। किसी का जेवर जल गया, किसी का बेटी का शादी था उसका सामान जल गया और ये बताता है कि आज भी लोग गरीबी से त्रस्त हैं। और हम तो मतलब क्या बताएं, 50-70 घर हैं इन लोगों का जो रुक पेरते हैं, कोई आइसक्रीम बेचते हैं और सालों से ये लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन आज की जो हम घटना देखे हैं वो घटना बखान के लायक नहीं है। किसी का हम भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अग्निशमन के जो लोग हैं ये बहुत देवदूत हैं, जो किसी की कोई बस 2-3 घायल हैं, एक पीएमसी से हमने भर्ती कराया है, 25% घायल हैं बच्चों को बचाने में। और हम निवेदन करते हैं इंडिया आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि इन लोगों के चेहरा को देखते हुए कुछ ना कुछ किया जाए इन लोग को। जो ऐसे तो हम इनकी आंसू ही पोंछ सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, जो इन लोग के पिता है भगवान न करे किसी के बिना बीते। देखिए रेखा, इस वक्त लोगों के आंख में आंसू है और गम के आंसू है, किसी का आसियाना उजड़ गया है। क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना? अरे आग लगी है, हम लोग सामान जल गए, हम नहीं थे यहाँ, कुछ पता नहीं हम लोग का कैसे लगा। हम लोग अपना अपना काम में थे, सब पता है पीछे से सब आग लगा, एक बैग सब लपेट के सब धनका दिया सर। नहीं समझ हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, अपना बच्चा के कैसे परवरिश करेंगे सर। कोई नेता बता है आप लोग से मिलने के लिए? कुछ नहीं आया, कोई नहीं। खाली वोट लेने आता है और कुछ लेने नहीं आता है। कुछ भी हुआ नहीं, कोई नहीं आया। देखिए दो लोग परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं और गोद में लेकर लोग का प्लेट नहीं बचा, सब ओढ़ने के बिछाने का बिस्तर नहीं बचा, तो क्या बचा इन लोग के पास? इन लोग के पास बचा किया है? कुछ नहीं बचा, तो कोई मुखिया सरपंच कोई नहीं आ रहा इन लोग के पास। एक रोटी जो देखिए, अगर ये लोग बचता है तो देश बचेगा, अगर ये लोग हैं इनके बच्चे सही सलामत है तो देश बचेगा, और अगर ये लोग हैं तो पार्षद बनेगा, अगर ये लोग हैं तो विधायक बनेगा, अगर ये लोग हैं तो सांसद बनेगा। लेकिन आज दुख की विपदा में कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है, और कोई नहीं आता है। देखिए समय पे अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच गई, हम उनका शुक्रगुजार और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तंत्र का चौथा स्तंभ है और आप सर्वे सर्वा पहुँचते हैं और आपके माध्यम से कहते हैं कि इन लोग के कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए, क्योंकि जो स्थिति इन लोग की है हम बखान नहीं कर सकते हैं। हम हमारे विधायक एम एल ए पार्षद से कि मैं जटली इन लोग के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए। आचार संहिता में तो कोई नेता आपका मदद नहीं कर सकता है। अच्छा, मानवता के आधार पर तो मदद हो सकता है, मानवता बड़ी बात, आचार संहिता बाद में है। हम आचार संहिता का ही इस विपदा घर में नहीं मानते,
जो मानता है मानता होगा, कोई किसी का घर जल जाए, बच्चे मर जाए, आचार संहिता पालन करेंगे। किसी की आहत की घटना तो नहीं हुई, कोई दुर्घटना बड़ा तो नहीं हुई? तीन तीन कैजुअल्टी हैं, दो एक घायल है 25% जिनको मैंने पीएमसी में, जिनको मैंने पीएमसी में पहुंचाया है, गणेश शाह पिता के नाम जलेश्वर शाह, वो घायल है, पीएमसी में भर्ती है। देखिए इस वक्त पटना की स्थिति भयावह है और जो घटना घटी है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पटना में पहली घटना नहीं है रेखा, कई ऐसी घटनाएं घटी है। और इस वक्त पटना के बांसघाट का इलाका है जहां पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग एक दूसरे को इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारे आसियाना को बचा ले। और सुनने में आया है कि जब से और ये घटना स्मैक पीने वालों की तरफ से हुआ है, स्मैक पीने वाले को जमारा लगा रहता है, माचिस स्मैक, ये घटना लोगों ने बताया है, कुछ लड़के पी रहे थे और शुरुआत इधर से हुआ और ये घटना घट गई। तो देखिए क्या पूरा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नशाखोरी का शिकार ये लोग हुए हैं, और जो है कहीं ना कहीं ऐसे नशे का इस्तेमाल कर रहे थे जिसके वजह से ये आग लगी की घटना घटी है। और इस वक्त जो स्थिति है पटना के बांसघाट इलाके की, हम वो भी नजारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं रेखा। इस वक्त देखिए क्या स्थिति है बांसघाट की, जहां पर लोग जो है अपने घरों से बाहर आ गए हैं और दमकल की कई गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई। आग पर किस तरीके से काबू पाया गया स्थानीय लोगों की मदद से, जो आसपास के लोग हैं, कई सिलेंडर भी जो है वो ब्लास्ट किए हैं, वो भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो सिलेंडर है वो फटा पड़ा यहाँ पर है, क्योंकि सभी के घर में गैस सिलेंडर होता है, जाहिर सी बात है उस तरीके से गैस सिलेंडर फटा है। और जो अग्निशमन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच कर, देखिए कई कह सकते हैं कि हम लगभग जो है 10 ऐसे छोटे बड़े सिलेंडर मिला के लगभग हो सकते हैं। और देखिए ये सिलेंडर का जो ऊपरी भाग है वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट करने के बाद ये फट गया है। सोचिए स्थिति क्या होगी, क्या भयावह स्थिति होगी। पटना के पाल होटल से भी लोग सबक नहीं लिए, कहीं ना कहीं ये स्थिति भयावह है। इस वक्त जो स्थिति है कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हुआ है, लोगों के घर और आसियाना किस कदर उजड़े हैं वो देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 50 से अधिक जो है झोपड़ियाँ थी, आसियाना थे, जो गरीब के रहने के लिए ये जगह बनाए गए थे वो आसियाना जला है। तो ये आसियाना कई सपनों को साकार करने वाला आसियाना लोगों का था, जो आज जलकर खाक हो गया, राख में तब्दील हो गया है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे परिवार के लोग जो है वो सदमे में हैं कि अब मेरे आसियाना तो उजर गए, सारे सपने जो थे वो टूट गए। जी देखिए रेखा इस वक्त स्थिति जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर, लगा हुआ है ठीक है, घर मतलब कि आदमी भागा ठीक है, लेकिन घर में ताला लगा हुआ है, कोई सामान नहीं निकल पाया, नहीं निकल। अच्छा कैसे आग लगी, कुछ जानकारी? ये किसी को जानकारी नहीं हो पा रही किस तरह आग लगी। आग से सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट किए कम से कम 7-8 सिलेंडर यहाँ से ब्लास्ट किए हैं, और बहुत सारा कोई अपना आसियाना जलाता नहीं है। कारण होगा कुछ खाना वाना बनाने का कारण होगा, क्योंकि ये गरीब बस्ती है, मजदूरों की बस्ती है, कमाने खाने वाले की बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी ठेला। कितनी झोपड़ियाँ होंगी? लगभग 70 से 75 झोपड़ियाँ हैं यहाँ से। 12-13 सौ सरकार के हटाए नीतीश बाबू के, कोई लायक नहीं है। तो देखिए ये स्थिति है, और पास में ही मनिन ड्राइव भी है, और वो इलाका जो है कहीं ना कहीं अभी भी बुझाने का जो कार्य है वो अग्निशमन की तरफ से किया थी, जेवर जल गए, उनके सामान जो देने वाले सामान थे जो परिवार के लोगों को वो जल गया। देखिए किस तरीके से भी जले हैं, खाने पीने के जो सामान थे वो जल गए हैं, और ये अनाज बिखरा पड़ा हुआ है। इस वक्त अनाज जो है खाने पीने वाले वो बिखरे पड़े हुए हैं। तो इस वक्त स्थिति जो है वो भयावह है, और है अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं। तकलीफ देख तस्वीरें हैं ये, और लाइव इंडिया हरपल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो अब लाइव इंडिया हरपल के टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहा है, क्योंकि लगातार आग लगी की घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, लोग जो है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। संजय मैं चाहूंगी और जी बात करिए। पैसा 2.5 लाख रुपए जल गया है। क्या जल गया? कुछ लोग और कुछ कहना चाह रहे हैं उनसे भी हम। क्या हुआ वहाँ पर हम देखे हैं, जो है जो जिनको जी ना बक्सा से निकाले हैं अभी। बहुत पैसा था क्या? 2.5 लाख रुपया बता रहे हैं। तो देखिए लोगों के बक्से में पैसे थे, और जो मेहनत की कमाई थी, जो गाड़ी कमाई, वो कहीं ना कहीं जलते हुए नजर आए लोगों की, और लोगों की पीड़ा हम कोशिश करते हैं
हम पूरे वो तस्वीर आपको दिखाने के अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि आग कहीं ना कहीं भयावह था। जो बिजली का तार है वो भी जलकर खाक हो चुका है, देखिए ये बिजली का तार है और इस वक्त स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है और लोग जो है अपने घरों को बुझाते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की आग को बुझाने की लेकिन वो बुझ नहीं पाया। आखिर पूरा घर जो है वो जलकर खाक हो गया क्योंकि ये घर था और जिसके वजह से ये आग जो है बहुत तेजी से पकड़ा, जिसके वजह से लोग परेशान हो गए और अभी भी अपने जो सामान है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा जायजा ले रहे हैं इस वक्त और देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से स्थितियां जो है वो भयावह है और जो लोग थे वो कई कार्य करने में लीन थे। यहाँ पे मजदूरों की संख्या अधिक थी क्योंकि लोग जो है आइसक्रीम बेचने थे, इक्की शरबत बेचते थे, कई ठेले चलाते हैं, कई तरह के जो है कार्य करते हैं, उनके घरों का ये हाल बेहाल हुआ है। जलकर पूरा घर कहीं ना कहीं खाक हो चुका है और लोग जो है वो घर के दीवारों के जो सपने होते हैं लोगों के, एक एक पाई पाई इकट्ठा करके लोग जो है वो करते हैं। देखिए कई गाड़ियां जली है, कई बर्तने जले हैं, सिलेंडर फटे हुए हैं, कपड़े जलकर खाक हो चुके हैं और जो काम करने वाले साइकिल है, साइकिल भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त स्थिति जो है वो भयावह है और अभी भी मुझे आग बुझाने का जो कार्य है वो जो देखिए करीबन लगभग यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और जो है घरों में एक परिवार में करीबन 5 से 7 लोग होते हैं, तो सोच लीजिए कि आंकड़ा लगा लीजिए कि हजारों की संख्या में लोग होंगे पूरे परिवार पूरे झोपड़ियों में और ये स्थिति कहीं ना कहीं हजारों को सड़कों पर लाकर रख दिया है। तो इस वक्त जो स्थिति है वो बांसघाट की स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जो बुझाने का जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से, कितना तेज़ी में आग पकड़ा होगा तीन घंटा तो है ही, जैसे 3 घंटा लगता है, 12:45 में लगा है। अच्छा, अब अभी तो काबू नहीं पड़ रहा था, अभी तो बुतिए रहा था, इसका निश्चित काबू पड़ेगा तब है ना, चला जाएगा डमकर तब है ना, होगा लगभग कितने लोग होंगे इसमें, इसमें कितने लोग, आदमी सब निकल गया, आदमी कोई नहीं जला यहाँ, आदमी निकल गए है हॉस्पिटल में लेके गया है, हॉस्पिटल में लेके हाँ। देखिए बक्सा से कुछ निकाला जा रहा है, 2.5 लाख जला है उसमें, है लिए हुए लेडीज लिए हुए हैं, लेडीज जल गया, पैसा बाहर ले। देखिए ये पूरा सामान जो है वो बक्सा में जल कर कहीं ना कहीं पैसे थे, वो पैसे भी जल कर खाक हो गए और मेहनत की कमाई थी, गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं जल कर खाक हो गया है। तो ये इस वक्त वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अग्निशमन की जो टीम है कर्मचारी हैं लगे हुए हैं आग बुझाने पर और अभी भी उसी प्रेशर पानी से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करीबन 70 ऐसे घर थे जो जल कर राख हो गए हैं। इस वक्त स्थिति कहीं ना कहीं लोगों के आंखों से आंसू जलता हुआ है और अपने सामान को अपनी मेहनत की कमाई को अगर लोग जलता हुआ देखेंगे तो आंसू भी निकलता है, क्योंकि हर कोई का सपना होता है कि उसका घर जो है वो रहे और जब घर अपनी आंखों के सामने जब जलता है तो कई तरह की तकलीफें जो हैं वो सामने आती है और यहाँ एक और दो नहीं 70 से ज़्यादा घर जो हैं वो जल करके राख हुए हैं। जैसा कि आपने बताया, मैं चाहूँगी कि एक बार पीड़ित परिवार से भी आप बात करने की कोशिश करिए और अमूमन कितने लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। संजय, देखिए वो भी हम जाने की कोशिश करते हैं, रेखा आगे चलते हैं और देखते हैं जो परिवार के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे जो इन झोपड़ियों में रहकर अपने सपनों को सकारा होगा, अपने सपनों को इकट्ठा किया होगा, उन परिवारों से जानते हैं कि क्या स्थिति थी। आप यहीं रहती हैं, आपका भी घर था? मेरा भी घर था, चाची मेरा घर है। कैसे आग लगा, क्या पता कैसे आग लग गया अचानक? हम तो सोए हुए थे, उधर से हल्ला लगा कि सोए हुए थे,
यही घर में। हाँ हाँ घर में। कैसे आप मतलब सुने हाला सुने की आग लग गए तो निकले तो मैं पकड़ ले था घर में पकड़ लेता पूरा आग तो निकले खाली अब निकल कोई भाग करते थे आप लोग यहाँ पे। हम लोग पेंट के काम करते हैं, हम मट्टी का सब सामान बेचते थे, मट्टी का बर्तन बचा। हाँ हाँ मट्टी के किराया में रहते हैं, मट्टी के बर्तन तो बेचते हैं। कौन लोग किराया? तो देखिए जो सपनों के घर होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी जलते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। स्थितियां बहुत भयावह है रेखा, जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, हम लोग शब्दों से बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये दुख की घड़ी है और ये दुख की घड़ी में पूरा परिवार बस वो अपने घरों को जलते हुए देखते रह गए। 3 लाख रुपया जल गया। कितना जल गया? 3.5 लाख रुपया जल गया। बेटी के शादी के लिए रखा था। रखा था जी। तो कितने घंटे में ये पूरा इस तरह का? 2 मिनट 2-3 मिनट में एक पर एक घर जलना स्टार्ट हो गया सर। कितना सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया सब, सर भी पानी पटाया लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। 10-15 मिनट बाद आया। तो ये देखिए दमकल की गाड़ियां मौके पर आप देख लिए। तो लोग तो पूरी तरीके से कह सकते हैं स्थिति बहुत ही भयावह है और स्थिति बहुत ही खतरनाक है, जो शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता है। और देखिए एक एक घर जो है वो जलकर खाक हो चुका है। स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अभी भी आग बुझाने का कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है। तो देखिए तो मेहनत की कमाई थी वो एक एक पैसे इसी डब्बे में। अरे भाई देखिए इस डब्बे में 70,000 रुपए जमा कर रखे और रख कर जल गया। कैसे जल गया? जल गया, आग लगा, जल गया। जमा पूंजी रखे हुए थे, कल देना था मशीन वाला को पैसा, ऊख पेरने वाला मशीन है। किस चीज के लिए आपने मेहनत करके जमा किया? ऊख वाला मशीन, लेथ मशीन। हाँ उसी के लिए हम गन्ना पेरने वाला मशीन जी, उसी के लिए हम पैसा अपना रखे हुए थे कल। हाँ गन्ना मेरा ही जला हुआ है, कल उसको पैसा देना था, कल मशीन बोला था आके ले जाइएगा। कितने देर में ये सब घटना घट गई? ये घटना 2 घंटा में राख हो गई एकदम क्लियर, 2 घंटा में एकदम क्लियर सब हो गई राख। तो देखिए ये सपनों के घर कहीं ना कहीं जलते हुए नजर आए और जो पैसे थे वो पैसे जो है वो भी जल गए। 70,000 रुपए ये मशीन खरीदने के लिए गन्ना का रखा था इन्होंने, जो जल कर खाक हो गया रेखा। और इस वक्त स्थिति कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भयावह है और आग बुझाने का कार्य जो है वो तेज चल रहा है। अब और देख सकते हैं कि लोग जो है आग अभी भी बुझा रहे हैं और आगे की भी हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आप आग जो है वो भयावह है। और आगे चल रहा आगे की भी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि 70 से अधिक ऐसी घरें हैं जो जलकर खाक हो चुके हैं और इस वक्त स्थितियां जो है वो आग बुझाने का काम तेजी से चल रहा है। कई पुलिस बल की तैनाती यहां पे कर दी गई है, अग्निशमन की गाड़ियां भी पहुंच गई है और 20 से अधिक गाड़ियां बुलाई गई है आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी भी देखिए ये ई रिक्शा है जो अपनी ई रिक्शा से वो काम करते होंगे, दिन भर मेहनत करते होंगे, मेहनत करके 2 पैसा इकट्ठा करते होंगे, वो भी ई रिक्शा जो है वो जलकर खाक हो गया रेखा। देखिए जो सपनों के घर हैं जलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त स्थिति बहुत ही खतरनाक है। हम बाहर चल के दिखाते हैं और भी तस्वीरें और आगे जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरे घर जो है वो इसी तरीके से राख में तब्दील हो गए हैं और राख बन गया है ये पूरा घर जो है वो सपनों का घर। यानी कहीं ना कहीं आग पर जो है लगातार काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन और अधिकारी अग्निशमन के सब आग से पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। और अब हम बाहर चलने की कोशिश करते हैं। हमने एक एक घर को दिखाया, एक एक तस्वीर दिखाई, लोगों के बयान भी सुनवाए कि लोग अपने शब्दों से उनके
मुंह से जुबान से जो है वो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने आँखों को आंसू को पोषने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आग कितना भयावह था कि पूरा तार जो बिजली का है वो भी जलकर खाक हो चुका है। तो स्थितियाँ बहुत ही खतरनाक हैं और 20 से अधिक गाड़ियाँ दमकल की बुलाई गई है। इस वक्त बुझाने का कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी जब आसपास के लोग डरे सहमे होंगे। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और अभी भी बचाव कार्य तेज़ी से चल रहे हैं, जिसमें दो लोग जल रविशंकर प्रसाद भी आ गए हैं, केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद भी पहुंच चुके हैं। उनसे भी हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कोई बड़े नेता इस घटना क्यों नहीं पहुंचे। हमने सवालें पूछी थी और सवाल पूछने के बाद जो है अब जाकर सांसद महोदय का नींद खुला है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के वक्त नेताजी तो ज़रूर पहुँचेंगे, इन्हें और जानना भी ज़रूरी है। तो रविशंकर प्रसाद भी पहुँच गए हैं, देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुँचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की पीड़ा जान रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से और जानने की कोशिश करते हैं लोगों के मिलने पहुंचे। सर मिलने पहुंचे हैं सर, क्या सूची? तो देखिए तो हम बहुत लोग की क्षति हुई है, चोट लगी है, पैसे जल गए हैं, किसी की शादी थी तो सब फायर ब्रिगेड सबको नोट कर रहा है। मैं यहाँ से जाने का कलेक्टर से बात करूंगा, जितना सहयोग होगा कराऊंगा। तो देखिए जितना होगा उतना जरूर कराऊंगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कह दिया। और अभी पटना साहिब के जो है प्रत्याशी भी हैं और पूर्व कह सकते हैं कि वर्तमान में ये सांसद भी हैं, तो ऐसे में घटनास्थल पर पूरा जायजा लेने के लिए शंकर प्रसाद पहुंचे हैं और घटनास्थल का वो जायजा ले रहे हैं, एक एक चीज़ों को जान रहे हैं। और हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जानकारियां ले रहे हैं और मैंने कलेक्टर को भी कहा है और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकारी तौर पर की जाएगी, जो विभागीय तौर पर हुआ करता है। अभी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी जो है नेता इस तरह की मदद नहीं कर सकते। तो इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं और उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बातें साफ तौर से रेखा की। मैं चाहूंगी कि एकाद प्रत्यक्ष दर्शियों से भी आप बात करने की कोशिश करिए, जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है, किस तरीके का माहौल था और उस वक्त अपनी आंखों के सामने इस तरीके से इतने घरों को जलता देख के वो क्या महसूस कर रहे थे और क्या इस घटना में किसी के जान माल की भी क्षति हुई है। संजय बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जानने की। आप यहीं रहते हैं? हाँ काली मंदिर में हम रहते हैं। हाँ। तो कैसे ये घटना घटी और कितने लोग? खैर उस समय तो हम मंदिर धो रहे थे, 12 बज रहा था तो जानकारी हुआ, धुआं देखे तो दौड़े लाए तो देखें कि का बोले पूरा लहर रहा है, आते आते जो कि का बोले पूरा धर लिया। उसके बाद दमकल वाला आया, गाड़ी वाले बताना शुरू किया, फिर बहुत भीड़ कफला
पट गया का बोले सभी लोग जो कि मिलजुल करके बुताने का प्रयास किया। प्रयास करने से ही जो कि का बोले कंट्रोल में भी आया भूता भी। किसी की जान माल की भी क्षति हुई है क्या? वो तो घर में जितना जो लोग था तो अपना जान बचा बचा करके लोग भागे, बाकी सामान तो का बोले जल ही गया। तो जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो कितने देर बाद पहुंची यहाँ पर? ये करीब करीब आधा घंटा के बाद ही पहुंचा। बगल में ही अग्निशमन की कार्यालय भी है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से। ना तो वो लेट के पहुंचा है, हाँ तो जिसे इतना जल गया। यदि तच्छन में आता तो नहीं इतना क्षति होता। देखिए, और कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन समय रहते लोगों ने घर निकलकर सड़क पर आ गए और इस वक्त पूरा सड़क जाम है। जो बांसघाट का इलाका है पूरा सड़क जाम है और सांसद महोदय यहां पर पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमने खास बातचीत थी उनसे भी की, पूरी जानकारियाँ जुटाने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जानकारियाँ ले रहे हैं, मुझे भी सूचना मिली है, मैं भी घटनास्थल पर पहुँचा हूँ और जो भी अधिकारी हैं उन्हें मैंने दिशा निर्देश दे दिया है। तो इस वक्त 20 से अधिक गाड़ियां यहां पर बुलाई गई है दमकल की, और पूरा पटना इस इलाके की वजह से इस घटना के बाद पूरा ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गया है और इस वक्त सड़कों पर लोग आ गए हैं और भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका है ये बांसघाट इलाका। और देखिए, लोग सड़क पर ही आ गए हैं क्योंकि ऐसी 70 घर जो है वो जलकर खाक हुई है। तो समझ लीजिए कि जो 70 घर में लोग अपने सपनों को सजो कर रखे होंगे, सपनों को सजा कर रखे होंगे, वो सपने जो है वो टूट गए रेखा। और लोगों ने कहा कि जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन एक दो लोग जहां तक मुझे जानकारी है और तमाम जानकारी के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। गर्मी की वजह से पटना के बांस इलाके में जो है वो भीषण आग लगी है और इस आग लगी में 70 से अधिक घर जो है वो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। मौके पर अभी भी दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मुआयना किया, लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद की बात भी उनकी ओर से कही गई। हालांकि इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी संजय नज़र बनाए हुए हैं, आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स और जानकारियाँ जो है वो हम आपको देते रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।